वी द पीपल, हम भारत के लोग में जो आने वाले समय में या जो अभी जो चल रहा है वहाँ जो भी थोड़ा बहुत खर्च हो रहा है उसका खर्च कैसे होता है, उसको खर्च को कैसे रेगुलेट करते हैं, उसको खर्च को कैसे हम ठीक करते हैं, क्या उसका हिसाब किताब है। ये बिल्कुल वही नियम है जो नियम बुद्ध ने अपने संघ को बनाते समय लागू किए थे। क्योंकि बुद्ध के जो लोग थे, जो प्रचारक थे, जिनको भिक्कू या भिक्कुन कहते थे, वो सारे के सारे ही गृहस्थ नहीं होते थे, अपना गृह त्याग करके घर को छोड़ कर आते थे, वो अनागारिक होते थे, वो पवज्जा लेके आते थे। तो इसलिए यहाँ जो लोग हैं वो पारिवारिक लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, साधारण लोग हैं, कोई भिक्कू या भिक्कुनी है नहीं। मगर खर्च तो पैसे का यहाँ भी होता है, क्योंकि बिना पैसे के खर्च के तो कोई काम चलता नहीं। सभी लोग अपना इंडिविजुअल यानी अलग अलग खर्च करते हैं, चाहे वो नेट में खर्च करते हैं, चाहे आने जाने में खर्च करते हैं, चाहे मीटिंग में करते हैं, और जो सामूहिक रूप से खर्च होता है उसे भी देते हैं। तो जो मनी मैनेजर पीपल हैं विद द पीपल के, वो कई सारे हैं और धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। ये मनी मैनेजर पीपल जो हैं ये खर्च को देखते हैं कि कितना खर्च चाहिए और कितना अति आवश्यक है या आवश्यक है, उसके हिसाब से कलेक्ट करते हैं आपस में और खर्च करते हैं। कई बार ऐसी बात आती है, क्योंकि जैसे जैसे वी द पीपल बढ़ रहा है तो यहाँ जब ये बढ़ेगा तो इसके जो लोग हैं यानी इसके जो काम करने वाले लोग हैं उनमें कोई किसी को कह सकता है कि तुम्हारा ये खर्चा मैं दे दूँगा। जैसे जो हमारा मीडिया पीपल वाले लोग हैं या कोई और लोग हैं उनको कह सकते हैं कि भाई मैं आपको इंडिविजुअल कोई मोबाइल दिला दूंगा या लैपटॉप दिला दूंगा या इंडिविजुअल आपको ये पैसा मैं दे दूंगा या आप बताओ कितने पैसे की ज़रूरत है मैं कर दूंगा। तो जितने भी लोग हैं विद द पीपल के, इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि वो इंडिविजुअल पैसा संघ के नाम से विद द पीपल के नाम से नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी से व्यक्तिगत तौर से अकेले तौर से वी द पीपल के नाम से, हम भारत के लोग के नाम से, संघ के नाम से, जो ये संगठन है इसके नाम से पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, लेगा नहीं। वो व्यक्तिगत रूप से अपना कोई उधार लेना चाहे क्योंकि ग्रस्त है, उसे जरूरत पड़ सकती है, या व्यक्तिगत रूप से कोई काम उसे आ जाए, किसी से वो पैसा मांगे, वो उनका अपना निजी मामला है, उसके लिए वी द पीपल कोई नियम नहीं बनाता। मगर अगर आपने संगठन के बिहाव पे, संघ के बिहाव पे, वी द पीपल के बिहाव पे कोई पैसा लिया और आपने जाने में या अनजाने में वी द पीपल को कोई नुकसान पहुंचाया, या ऐसा खबर मिलती है या पकड़ी जाती है या इन्वेस्टिगेट होती है कि फलाने व्यक्ति ने या फलानी महिला ने या फलाने काम करने वाले ने किसी से संघ के, संगठन के, वी द पीपल के नाम से कुछ पैसा लिया, उसका इस्तेमाल किया पर्सनल रूप से, तो ये जो दोष होगा ये समण दोष कहलाएगा और उसका जो परिवार है वो समण द्रोही कहलाएगा हमेशा के लिए। ये दोष हमेशा उसके साथ रहेगा कि उसने समणों के साथ में घात किया है, विश्वासघात किया है, उसका दोष उसे हमेशा और उसके परिवार को बहुत बात तक भी रहेगा। इसलिए जाने अनजाने में भी कोई आदमी किसी से व्यक्तिगत रूप से वी द पीपल के नाम से कोई भी चीज या कोई भी पैसा एक्सेप्ट ना करे, ना ले। इसकी नीति यह है कि अगर किसी को कुछ देना है तो वो भरी सभा में, मीटिंग में देगा कि मैं ये चीज वी द पीपल को देता हूँ, ये पैसा वी द पीपल को देता हूँ। उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, उसका हिसाब रहेगा, वो सबको हिसाब मिलेगा। चोरी छुपे किसी से पैसे नहीं लेने हैं, सबके सामने लेने हैं, और संघ ही पैसा ले सकता है, यानी कि सारे लोग उस पैसे को एक्सेप्ट करेंगे, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। जो मनी मैनेजर पीपल हैं, जो मनी मैनेज करते हैं या करेंगे या कर रहे हैं, वो जो पैसा लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो ऑन द बिहाफ ऑफ
वी द पीपल यानी हम सब लोगों के बिहाव पे करते हैं, हम सब लोगों के भरोसे पे करते हैं, हम सब लोगों के कहने पर करते हैं। इसलिए इंडिविजुअल पैसा अगर कोई देता है, चोरी छुपे किसी को देता है, तो ये पाप माना जाएगा। ये जो कृत है या ये जो कर्म है, ये जो कार्य है, ये संगठन को तोड़ने वाला माना जाएगा। इसका समण दोष लगेगा जो पूरे जीवन उसके परिवार पे लगेगा। वो फिर विद द पीपल में काम नहीं कर सकता, हमेशा वो उस दोष के अधीन में रहेगा। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग, जब कोई लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए बहुत आसान होता है कि किसी को कोई लालच दिया जाए, और लालच में कोई वस्तु हो सकती है, कोई पीने का पदार्थ, कोई खाने का पदार्थ, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई इलीगल तरीका हो सकता है, कोई सहानुभूति के रूप में दे सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बेसिकली मदद नहीं कर रहा है। ये बात सदियों पुरानी है, बुद्ध के समय की है, बुद्ध ने नियम बनाए थे। और साहब काशीराम ने भी कहा था कि जिसका आप अगर सहारा लोगे उसका इशारा भी आपको लेना पड़ेगा। यानी कि जो व्यक्ति अगर इंडिविजुअली आपको कुछ देगा संगठन के ब्याह पे, तो वो संगठन की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई जानकारी, कोई तोड़ कोई फोड़, कुछ ना कुछ उसमें उसका इंटरेस्ट होगा, या उसमें वो घुसना चाहेगा, या उसमें पैठ बनाना चाहेगा, या उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा, बहुत सारी बात हो सकती है। तो ऐसा कोई क्रिया ना करें, क्योंकि बुद्ध ने जो संघ बनाया था उसकी सफलता इस बात में थी कि उसको चलाने वाले जो मनी मैनेजर पीपल थे, उनमें आनंद उसके सबसे बड़े संचालक थे, मैनेजर थे। तो एक बार आनंद एक राजा के यहाँ गए, क्योंकि बुद्ध जाते नहीं थे किसी के इन्विटेशन पे, बार बार बुद्धों का जाना ठीक नहीं था, तो वो अपने जो टेंड किए हुए लोग थे उनको भेजते थे। तो आनंद को भेजा के जाओ वहाँ जो रानियाँ हैं उनकी और जो उनकी सहेलियाँ हैं उनको धम्म सिखाना है, आप जाके महल में पसादा बोलते थे, पसादा में ये धम्म को सिखाओ। तो आनंद ने वहाँ धम्म को सिखाया, और धम्म को सिखाने के बाद में, धम्म से सीखने के बाद में, वो लगभग 500 की 500 महिलाएं थीं, उन्होंने अपना अंग वस्त्र, यानी उस समय कपड़ा बहुत कीमती हुआ करता था, कपड़ा बड़ा रेयर था, क्योंकि हाथ से बुना जाता था और बड़ा प्रीशियस होता था, महंगा होता था, बहुत बहुमूल्य चीज़ होती थी, जैसे आज के समय हीरा चांदी और सोना होता है। तो जब 500 उनको अपने ऊपर के वस्त्र यानी कि जो चुन्नी दुपट्टे थे वो उतार के दिए, तो भिक्कों के वो काम आने थे, क्योंकि उसका कोई तौलिया, कोई बिछौना, कोई चीवर, कुछ ना कुछ बनना था। तो वो 500 लेके आ गए। राजा को जब ये बात पता चली कि आनंद आए, और आनंद ने यहाँ दीक्षा दी और पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में प्रसन्न हो गए, 500 के 500 ले गए, तो उन्होंने कहा कि आनंद क्या पागल है, ये क्या बेचते हैं जाके इतने सारे कपड़े ले गए। तो अगले दिन आनंद फिर आए, तो जब आनंद फिर आए पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आनंद आप जो चीवर हैं, जो कपड़े हैं, चादर हैं, जो अंगरख दिए हैं, वस्त्र दिए हैं, उनका आपने क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम उनको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद में एक भिक्कू का नियम है कि वो दो से ज़्यादा जोड़े रख नहीं सकता, क्योंकि आवश्यकता दो की है, एक को धोके सुखाएगा, एक को पहनेगा। जब उसका वो जोड़ा फट जाता है तो जो भिक्कू का नंबर आता है उसमें से हम स्टोर किए हुए में से एक उसको दे देते हैं। तो राजा ने पूछा कि जो पुराना जोड़ा है उसका क्या करते हो। तो आनंद ने कहा कि पुराने जोड़े का हम बिस्तर बना लेते हैं, चादर बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा जो चादर बिस्तर जब खराब हो जाती है तो क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम उसका तौलिया बना लेते हैं, शरीर पहुंचने काम आता है नहाने के बाद। उन्होंने कहा कि जब तौलिया खराब हो जाता है तो क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम उसका कुटिया में पर्दा बना लेते हैं। तो उन्होंने पूछा कि जब पर्दा खराब हो जाता है तो क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि फिर हम उसका पोछा बना लेते हैं, पायदान बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब पायदान और पोछा खराब हो जाता है तब क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि एक तो हम जो तेल में बाती जलती है बाती बना लेते हैं, और जो बच जाता है उसको हम मिट्टी में गूंथ कर, ढलना होता था पहले, जो मिट्टी का बर्तन होता था वो बना लेते हैं। तो राजा आनंद के मैनेजमेंट को देख के, मनी मैनेजमेंट को देख के, वस्तुओं के मैनेजमेंट को देख के हक्का बक्का रह गया। उसने कहा साधु साधु साधु। उसने कहा कि भाई सबको ऐसा ही धारण करना चाहिए। साध का मतलब है कि निज को धारण करना चाहिए, सह माने निज होता है, धा माने धारण करना चाहिए, कि सबको ऐसा धारण करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। और उसने खुश होकर आनंद को 500 जोड़े और दिए। तो ये उस समय की बात है कि उन्होंने संघ में एक भी जो दान का चीज आती थी, पैसा आता था, वो एक भी पैसा बर्बाद नहीं करते थे। वही नियम और वही नीति यहां लागू रहेगी, क्योंकि जो भी कुछ देता है, एक तो वो सामूहिक रूप से संघ को देगा, पूरे संगठन को देगा, वी द पीपल को देगा, तो वो बहुत प्रीशियस है, अपने खून पसीने का कोई हमें देगा। चोरी का तो हमें चाहिए नहीं, डकैती का हमें चाहिए नहीं,
नंबर दो का हमें चाहिए नहीं, सबके सामने देगा, एक्सेप्ट देगा, नंबर एक में देगा, वो हमारे काम का होगा। फिर हम जो हमारे मनी मैनेजर हैं, जो मनी मैनेजर पीपल हैं, वो उसका सही इस्तेमाल करेंगे, सही उसको संभाल के रखेंगे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होगी वो उसका पूरा इस्तेमाल करेगा। इसलिए आज तक भी जो भिक्खु हैं, भिक्खुओं को अलग से दान देने का कोई नियम विनय पीटक में बुद्ध के द्वारा नहीं है। भिक्खु अकेले कोई सामान नहीं ले सकता, सामूहिक रूप से संघ को ही जाता है, इसलिए इसको संघ दाना बोलते हैं। संघ दान यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो विद द पीपल है, जो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको दान, दान का मतलब देना, देना। एक आदमी को अगर आप दोगे तो उसके मन में लालच आ जाएगा, वो कहेगा कि मुझे अगर 10,000 रुपया मिला है कहीं से तो वो 5,000 बताएगा, 3,000 बताएगा, 2,000 बताएगा, हो सकता ना बचाए, कोई मोटी रकम आ जाएगी तो हो सकता है कि आपका कार्यकर्ता भी आपके हाथ से निकल जाए, हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं को आदत पड़ जाए पैसे खाने की, फिर वो जो संघ का बात है या जो एजेंडा है या जो विद द पीपल का काम है वो ना करें और पैसा इकट्ठा करने में लग जाएं। इसलिए ये नियम अब से लेके और जब तक विद द पीपल अपने ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव में सफल होता है, उसके बाद भी और हमेशा, क्योंकि ये बुद्ध का नियम है, यही नियम रहेगा। कोई भी पैसा संघ में आएगा, संघ से वापस खर्चे में जाएगा, कोई व्यक्ति अकेले अपने आप खर्च नहीं करेगा। जो इसके मीडिया मैनेजर पीपल हैं उनको कार्ड भेजेगा विद द पीपल के, आप इस काम के लिए इतना पैसा इकट्ठा कीजिए, दीजिए, और उसका हिसाब किताब भी, उसका ऑडिट भी, उसका चेक भी करते रहिए कि पैसा जो दिया है वो सही काम में लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं और हमारे खर्चे आने वाले हैं, खर्चे हो भी रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे भी, तो जब जब मनी का कोई मैटर आता है तब तब जितने भी अब तक देखा गया है, जो संगठन, जो संघ बुद्ध के नियम से नहीं चले हैं वो हमेशा टूटे हैं, बिखरे हैं। पैसे की आदत पड़ जाती है तो उसका नेता, उसका जो चलाने वाला है, उसके जो लोग हैं वो उद्देश्य भूल जाते हैं, फिर वो गाड़ियां खरीद लेते हैं, फिर वो सफारी सूट खरीद लेते हैं, फिर वो कोट पैंट खरीद लेते हैं, फिर अपनी घर गृहस्थी चलाने लगते हैं, फिर वो रंगरलियाँ बनाने लगते हैं। मैंने बहुत सारे केसों में देखा है कि लोग प्रॉपर्टियाँ बना लेते हैं, प्रॉपर्टी मठ बना लेते हैं, मठ खरीद लेते हैं। ये जो संघ को और संगठन को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं, ये वो बातें हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए ये नियम हमेशा लागू रहेगा। धन्यवाद।